पीसीएमएल बरकर धर्मशाला डिवीजन द्वारा नगरोटा बागमा में प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि वह जल्द ही हमारे लिए भी 4 और 5 साल की जो पॉलिसी है वो फिर से चालू की जाए, उसके उपरांत उन्हें अनुबंध में लाया जाए। पिछली सरकार ने 250 पीसीएमएल वर्करों को अनुबंध में लाया था। इनका कहना है कि 1/10 पास कंडक्टर जो कि 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद ही अनुबंध में आ जाता है, हम सब तो ITI होल्डर हैं और वो भी सरकारी संस्थानों से। सरकार जल्द से जल्द कोई नीति बनाए जिससे कि हम अपने परिवार का गुजारा कर सके। पीसीएमएल बरकर धर्मशाला डिवीजन द्वारा आज नगरोटा भागमा में प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि जल्द हमारे लिए भी 4 और 5 की जो पॉलिसी है वे फिर से चालू की जाए, उसके उपरांत इन्हें अनुबंध में लाया जाए। पिछली सरकार ने 250 पीसीएमएल वर्करों को अनुबंध में लाए थे। इनका कहना है कि 1/10 पास कंडक्टर जो 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अनुबंध में आ जाता है, हम सब तो ITI होल्डर हैं और बेबी सरकारी संस्थानों से। कई तो पूरा महीना काम करने के बाद भी 3,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, केवल 10 रुपए में एक पूरी बस धोने के लिए मिल रही है, कैसे गुजारा होगा। 933 पीसीएमएल वर्कर प्रदेश भर में कार्य कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द कोई नीति हमारे लिए भी बनाए। हम इस हालात में अपने बीवी बच्चे और माता पिता को इन पैसों से गुजारा करवाने में असमर्थ हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार शिमला से खेमचंद, मंडी से घनश्याम, धर्मशाला से योगेश, विशाल, बैजनाथ से विजय, पालनपुर से अजय, कुल्लू से विजय और उमेश आदि उपस्थित रहे। सर नमस्कार, मैं संजीव कुमार, प्रेजिडेंट ऑफ HRTC पीस मिल वर्कर ओवरऑल हिमाचल। और हमारे जो इस टाइम पूरे प्रदेश की वर्कशॉपों में 28 डिपो में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह कोई मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, टायरमैन है, अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं हम लोग, मगर अभी तक हमारा कोई सरकार ने सलूशन नहीं किया है। हमारी 4 और 5 वर्षों की एक पॉलिसी है, जिस तरह ITI की है 4 साल और बिना ITI की 5 साल है, तो वो पॉलिसी जो अभी तक सरकार ने की नहीं है और हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे हैं, सबके पूरी फैमिलियाँ हैं, इनका गुजारा करना बिल्कुल ही मुश्किल है। हमें पैसे भी नाम मात्र दिए जाते हैं। एक वाशरमैन है, वो एक बस को धोता है तो उसको 10 रुपये रेट दिया हुआ, ये कौन सी सरकारी नौकरी है, 10 रुपये एक रेट है। मैं बोलता हूँ जो कितने VIP ऑफिसर हैं हमारे, जो HRTC की मैनेजमेंट है और एक हमारा मंत्रिमंडल है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इन पीस मिलों के बारे में आप कब कंक्लूजन करेंगे। हम इतने हरास हो चुके हैं इस नौकरी से, इतने बुरी हालत हो चुकी है हमारी, हमारा अपने माँ बाप का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हमारे पूरे प्रदेश में सिर्फ 15% ही रेगुलर कर्मचारी जो हैं कि HRTC की वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, मगर ये जो बाकी कर्मचारी हमारे एज ए पीस मेल इन यही सारे काम सारा ये देखते हैं, और काम करने के बावजूद इनको तनख्वाह के नाम मात्र मिलती है। कईयों को बेचारों को तो 3-3 हज़ार भी महीना नहीं मिलता, तो ये गुजारा कैसे करते होंगे, इनकी इतनी बुरी कंडीशन क्यों है। और सरकार से मैं बार बार मिला भी, मंत्री से भी, हमने ज़ोर शोर से ये मामला धर्मशाला में उठाया था, मगर मंत्री साहब ने सिर्फ आश्वासन दिया। मैं खुद 12 बार मंत्री से मिल चुका हूँ, पूरे प्रदेश के मेरे भाई लोग मिल चुके हैं, मैं पूरे प्रदेश के अपने भाइयों पीसमिल भाइयों की तरफ से सरकार को एक रिक्वेस्ट देता हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ कि इन पीसमिलों कुछ करिए, नहीं तो सर हम या तो मर जाएंगे या इन HRTC की बसों के नीचे ही बंदे ही हमारे ख़त्म हो जाएंगे। इतना शोषण क्यों हो रहा है सर, ये हम क्यों इतने परेशान किए हुए हैं, कितनी बार मैनेजमेंट को हम बोल चुके हैं, अभी जो हमारे संदीप भटनागर जी थे उनको भी हमने कई बार मैसेज दिए, लेटर, इवन तक मैंने मोदी तक को लेटर लिखा, वहाँ के सेंक्शन ऑफिसर से भी वो सेंक्शन होके आया लेटर, फिर वो लेटर मैनेजमेंट को गया, वहाँ पे भी लिखा कि इनके पीसी मिलना कुछ करिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू गवर्नमेंट, मगर जब हमने गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं तो सारा काम हमारा सिस्टम ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इलेक्शन से पहले हमारा पूरा रिकॉर्ड गया वहाँ पे कि हम आपको कॉन्टैक्ट में लाने के लिए एक नीति बना रहे हैं और जल्दी ही ये कर दिया जाएगा, मगर कब होगा सर। 2 साल तो आपकी सरकार को बने हो गए, पिछली सरकार ने भी 200-250 बंदा कर दिया कॉन्टैक्ट में, उसके बाद वो फाइलें दब गई, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। अब 2017 के बाद हमारा रिकॉर्ड सिर्फ एक बार देखा उन्होंने, मगर अभी मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ करिए, नहीं तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा सर। इनको कम से कम आप कॉन्टैक्ट में लाने के लिए एक जल्दी ही प्रोसेस शुरू करिए। अगर सर्विस कमेटी में मामला गया, क्योंकि BOD में मंत्री साहब ने बोला कि मैं कर दूंगा और अभी सर्विस कमेटी में मामला जाएगा, सर्विस कमेटी के मेंबर भी तो आप हैं सर, अगर मंत्री साहब ही ऑर्डर देंगे तब तो वो मामला सर्विस कमेटी में जाएगा, क्योंकि सर्विस कमेटी वाले लोग जब बैठेंगे तो उनका मसला जल्दी हल हो सकता है, क्योंकि अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो वर्कशॉपों का काम कैसे होगा। और हमारा करसोग की वर्कशॉप है, नेरबा की वर्कशॉप है, वहाँ पे सिर्फ पीसमेल वर्कर काम कर रहे हैं और कोई रेगुलर कर्मचारी भी नहीं है वहाँ पे, आप रिकॉर्ड पता कर सकते हैं सर।
एक चीज और है, जिस तरह से हम आईटीआई होल्डर होने के बावजूद इस तरह की नौकरी में है, तो बाकी जो नॉन आईटीआई और आईटीआई का इनका सोल्यूशन करना चाहिए। एक कनेक्टर जो 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद यहाँ 10th पढ़ा हुआ बंदा वो लग जाएगा, और वहाँ पे हमारे आईटीआई होने के बावजूद वो गवर्नमेंट की आईटीआई है, माँ बाप ने दूध बेच के और वहाँ भेड़ बकरियों का पालन पोषण करने के बाद उसका दूध बेचते हैं, तब तो अपने बच्चों को आईटीआई कराते हैं, और उसके बाद इस तरह की नौकरी मिलेगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे। प्रदेश 933 बंदे हम लोग काम कर रहे हैं पूरे ओवरऑल हिमाचल में वर्कशॉपों में, सरकार को दे रहे हैं कि जल्दी इनका सलूशन करो, नहीं तो पूरे प्रदेश में एक आंदोलन होगा जिसमें हम काले पटके बांध के अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है पूरे प्रदेश की वर्कशॉपों में हम खड़े हो जाएंगे, हम गाड़ियों काम नहीं करेंगे, सरकार हमारा जल्दी से जल्दी सलूशन करे, नहीं तो हो सकता है ये जो भर्तियाँ वर्तियाँ और निकाल रहे हैं हम इसके ऊपर भी कुछ एक्शन ले लेंगे, फिर सरकार इसकी खुद जिम्मेवार दी, क्योंकि हम बिल्कुल दुखी हो चुके हैं इस नौकरी को।